हमारे साथ डिप्टी सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय सिन्हा जी हैं। रोहिणी आचार्य लालू की बेटी जो हैं सारण से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, औपचारिक ऐलान बाकी है लेकिन वही लड़ेंगी। आज अपने माता पिता के साथ गई थी हरिहरनाथ मंदिर, पूजा पाठ की, भगवान का आशीर्वाद ली है। रूडी जी वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। देखिए, हर पिता अपने पुत्री को आगे बढ़ते देखना चाहती है, लेकिन उस पिता को क्या पुत्री जो उनका वंश में जन्म लिया, जो बहू आई भी है, वो भी तो पुत्री और बेटी है। हरिहर नाथ भगवान विष्णु और महादेव दोनों साथ विराजते हैं और दोनों शक्ति के उपासक हैं, तो एक शक्ति को सम्मान देने के लिए दूसरे शक्ति का अपमान कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति शक्ति का जो सम्मान करता है वो शक्ति का अपमान नहीं कर सकता। आज बेटी को चुनाव लड़ाने गए हैं लेकिन वहाँ आपकी पुताओ इंसाफ मांग रही है, वो पूछ रही है चीख चीख करके कि हमको घर से धक्के देकर क्यों निकाली, हमको तलाक के लिए विवश क्यों किया, छपरा की सारण की धरती हमारी थी, हम क्यों नहीं इस धरती से लोकतंत्र में एक सैनिक बन सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे, वो भी एक राजनीतिक परिवार से। पूर्व मुख्यमंत्री की पोती है, एक सम्मानित परिवार से, उसका इतना बड़ा अपमान क्यों? तो मांग रही इंसाफ। वो आप बात कर रहे हैं तेज प्रताप की पत्नी सौर्या राय के बारे में, तो उनके पिता चंद्रिका राय वहां से विधायक भी रहे। मैं तो कह रहा हूं पूर्व मंत्री भी थे। जो नारी का अपमान करे वो व्यक्ति क्या लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकारी है? आज वहां ऐश्वर्या राय को जब घर से धक्के देकर निकाल रही थी, रोहिणी आचार्य जी आप क्यों नहीं ट्वीट कर रहे थे उसके पक्ष में, क्यों नहीं अपनी भाभी को हाथ पकड़ के घर के अंदर लाए, धक्का देने वाले को क्यों नहीं रोके थे? ये दोहरा चरित्र दोहरा खेल नहीं चलेगा। बिहार की बेटी थी, आप तो गोपालगंज से सारण गई हैं, लेकिन सारण की बेटी का अपमान हर बेटी और माँ मांग रहा है इंसाफ। ये सारण सीट आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लालू चार बार वहां से लोकसभा सांसद रहे, इस बार आप लोगों को क्या माहौल लग रहा है, क्या बीजेपी की जीत होने जा रही है? ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या आज बता दीजिए, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय जी की बेटी सारण की ही धरती से तो थी, यही लोग ने इनको घर बना करके थाली परोस के खिलाया था और उसका अपमान कर करके ये अपने परिवार के लिए अपने जाति के हितैषी नहीं है, ये किसी के हितैषी नहीं है। उन्हीं का हनुमान हमारे पार्टी से पूर्व मंत्री हो चुके रामकृपाल यादव जी, उनको भी क्या बोले थे रामकृपाल यादव जी कि बाप का चप्पल उठाते उठाते अब बेटा का चप्पल उठाने कहता है, ये अपमान नहीं सहेंगे और दल को छोड़ के चल दिए थे। एक आखिरी सवाल, रोहिणी आचार्य अपना किडनी दी थी लालू जी को, लालू जी कहते हैं कि हमको जीवन दान दियो, तो क्या लगता है कि जनता उनके पक्ष में होगी, क्या लग रहा है? हर पुत्री अपने पिता को दिल से मानती है और पिता भी पुत्री को मानता है, लेकिन बहू बेटी से कम नहीं होता है। बेटी तो दूसरे घर की बहू बनकर चली जाती है, लेकिन जो आपके घर की बहू लक्ष्मी के रूप में आई, आपने उस लक्ष्मी का, उस ऐश्वर्य का अपमान किया है। आपका ऐश्वर्य और श्री दोनों समाप्त हो चुका है, आपको न ऐश्वर्य मिलेगा न श्री प्रदान होगा, ये श्रापित हो चुके हैं, ये भाग्य नहीं खुलेगा। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।